176 चंबल एक्सप्रेस पे देखिए जेलर बोगी में हम लोग अभी मौजूद है। देखिए वहाँ पे दृश्य दिखाने की कोशिश करें, देखिए क्या अवस्था देख सकते हैं। यहाँ पर जनता को इतनी परेशानी हो रही है कि पूरी बाथरूम जाम है। आप दिखाइए, इधर आइए, मैं अपने कैमरे में जरूरत करता हूँ कि बाथरूम को दिखाइए एक बार। देखिए कितना लोग इसमें बाथरूम कैसे करने जाएंगे, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाइए कितनी खराब बदहाल स्थिति में, आप देख सकते हैं। दिखाइए बाथरूम में क्या अवस्था है, लोग कैसे बाथरूम करने जाएंगे, बहुत ही परेशानी हो रही है। सरकार को पैसा दिया जाता है रेलवे आने जाने के लिए, लेकिन लोग भी नहीं समझते हैं। देखिए हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे बात करते हैं। सर जो बाथरूम का हालात है, इसको क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा होना चाहिए, गलत है नहीं? लोग को भी समझना चाहिए कि जो लोग आते हैं बाथरूम, उनको भी समझना चाहिए कि बाथरूम जाकर पानी डालना चाहिए। इतना दिक्कत हो रहा है, चाहे जो खराब है माने बाथरूम जाम, आपको दिक्कत हो रहा है नहीं? दिक्कत हो रहा है, सभी को दिक्कत हो रहा है, सभी को दिक्कत हो रहा है। बाथरूम की सफाई नहीं है, बाथरूम की सफाई की बाथरूम से बहुत गंद आ रहा है। यहाँ पर बहुत पैसेंजर है, हम लोग तो पैसा देके जा रहे हैं, हम लोग तो ऐसे नहीं जाते है। रेल को तो ये सब देखना चाहिए, रेल को साफ सुथरा करना चाहिए था। स्टेशन देखिए क्या चीज है, आप लोगों को याद नहीं, उधर भी गया बाथरूम को लेकर, यहाँ पे जाम है। देखिए सभी के एक ही रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग इसमें पैसा देकर आते जाते हैं। और लोग को भी समझना चाहिए, क्योंकि बाथरूम जाते हैं पानी नहीं डालते, फ्लश नहीं चलाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक के चलते सभी को प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं रहेंगे तब फ्लश चलाएंगे, पानी रहेगा तब पानी नहीं है। देखिए पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, बताइए पानी नहीं है। इसके बारे में क्या रहा है, बाथरूम ऐसा जाम है, कितना प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग क्या बोलेंगे सर। तो रेलवे को देखना चाहिए, कितना तकलीफ हो रहा है पब्लिक लोग को, पानी पूरा जाम है, किसी में पानी नहीं आ रहा है, कैसे आदमी सफर कर रहा है। इसको भी यही कहना कि पानी नहीं आ रहा है, इसको रेलवे बस क्या चलाइए, पानी नहीं है, पैसा देकर लोग यात्री करते हैं, ये तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। आप दूसरी तरफ से तस्वीर दिखाते हैं, देखिए इधर से भी बहुत हालत बेहतर हो गया है। देखिए इधर से भी, देखिए कैसे जाएंगे बाथरूम, आप देख सकते हैं मेरे तस्वीरों, आप देखिए नीज स्माइल भाई बोलो को बहुत ही बड़ी अपडेट दे रहा। देखिए कैसे हम लोग बाथरूम जाएंगे, सब पूरी तरह से जाम है, अब पानी भी नहीं आ रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, दूर दूर तक शेयर करें, ताकि इसको मालूम चले कि जनता कितना प्रॉब्लम, जनरल बोगी में लोगों का कितना प्रॉब्लम होता है सफर करने में, पैसा जो कि टिकट कटवा के लोग आते जाते हैं। जय हिंद जय भारत। स्माइल भाई, मैं रिपोर्टर संजय कुमार गुप्ता, आज हम लोग 12176 यानी कि चंबल एक्सप्रेस में मौजूद है। हम वहाँ के आप लोग को दृश्य दिखाएंगे किस तरह से भारतीय रेलों को लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, देखिए गुटखा खाकर किस तरह से लोग मैंने इसको सराहने का काम कर रहे हैं। जो भारतीय रेल है, हर भारतीय के इसमें पैसा लगा हुआ, ये बात नहीं कि पूरा पैसा सरकार का है, पूरा भारतीय जितना भी लोग यहाँ पर रहते होते हैं उन सभी का पैसा लगा है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे न्यूज स्माइल भाई आप लोगों को बहुत ही बड़ी अपडेट दे रहा है। देखिए किस तरह से गुटखा खाकर ये रेलवे को लोग सराहने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ कुछ जनता, उनसे बात करते हैं। आइए इधर आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विजय प्रसाद। ये क्या गुटखा खाकर इस तरह से कोना में थूकना सही है या गलत है? गलत है, गलत है ना, इसमें बैन होना चाहिए ना, जहाँ तहाँ जो गुटखा खाकर लोग होना चाहिए। देखिए इनका भी कहना है कि गलत हो रहा है, क्योंकि ये भारतीय रेल है, सभी तरह के लोग इसमें आते जाते हैं, यात्री करते हैं, इसलिए उनको भी दिक्कत होगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर गुटखा, यहाँ पर कोई बैठेगा नहीं, आएगा जाएगा भी नहीं। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं न्यूज स्माइल भाई, मैं रिपोर्टर संजय कुमार गुप्ता। देखिए हम लोग अभी चंबल एक्सप्रेस में मौजूद है। वहाँ पर जैसा बाथरूम का हालात था, सभी लोगों को बहुत ही परेशानी उठाना पड़ा। जनता से बात की, आप लोग लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।